अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समर अब्बास और मैं बात कर रहा हूँ अपने चैलेंज ट्रैवलिंग में समर से। आज मैं आया हुआ था तेरा डी अंडर पास के मतलब और यहाँ के काम की सिचुएशन सूरत हाल आप लोगों को दिखा देंगे, कहाँ तक काम हुआ है और कहाँ तक हो गया है। और अभी जब पिछली दफ़ा मैं आया था तो ये बाउंड्री वॉल्स जो आप लोगों को पीछे नज़र आ रही हैं, यहाँ जो है ये प्लेटें वगैरह लगी हुई थी, यहाँ कंक्रीट वगैरह नहीं बिछाया गया था। तो अभी देखे मैं तकरीबन एक डेढ़ महीने बाद आया हूँ यहाँ, तो यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ जो है यहाँ तक भराई हो गई है और ऊपर की जो भराई है एक दो दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं आपको ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है बाउंड्री वॉल्स नीचे वाली बनी नहीं थी, ये जो है कुछ दिन पहले ही बनी है और काम बहुत तेज़ी से अभी KFW कर रहा है। और क्योंकि आपको बता था बारिशों की वजह से काम काफ़ी स्लो कर दिया गया था, तो अभी जो है काम की सिचुएशन आप लोगों के बिल्कुल सामने है और इंशाल्लाह ताला यहाँ जो है बहुत जल्दी जो है कंक्रीट वगैरह डाल दिया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ जो अंडरपास बना रहे हैं वो अंडरपास भी मुकम्मल हो जाएगा। काम आप लोगों के बिल्कुल सामने है। जो है इसी वजह से जो है काम रोक दिया गया था बारिशों की वजह से, और जो है FW ने जिनको ठेका दिया हुआ था, जिन वर्कर्स को, उन वर्कर्स से हटा के किसी और को ठेका दिया, इसकी वजह से जो है काम काफ़ी स्लो हो गया था। तो अभी जो है उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से काम होगा इंशाल्लाह ताला, और एक आज या कल से इसमें कंक्रीट वगैरह भी डल जाएगी और इसको फाइनल जो है टच भी दे दिया जाएगा। तो आगे वाले अंडरपास पे जाके वो भी दिखा देंगे वहाँ का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या रहता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें दिखाई और बाकी मैं वहाँ जाके भी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सिचुएशन वहाँ की है और क्या सूरत हाल और क्या क्या हुआ है ये वहाँ, और चलते हैं। बस मैं पहुंच गया हूं दूसरी तरफ और यहां काम वगैरह आप लोगों के बिल्कुल सामने चला हुआ है, बहुत तेज़ी से काम वगैरह कर रहे हैं FW के वर्कर्स। वहां जो है वहां भी इसलिए काम शुरू नहीं हुआ था कि वहां जो है अभी जो है अमला जो है यहां से फारिग होगा तो वहां जाएगा, तो यह जब छत वगैरह डल जाएगी यहाँ की तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो कम्प्लीट काम है वो करेंगे ये लोग। तो ये जो है ये अंडरपास आप लोगों को पता है कि इस अंडरपास की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक को, तो इस पे जो है ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है इस अंडरपास पे, तो इसकी वजह से जो है अभी आप लोगों के बिल्कुल सामने ही है काम। तो देख सकते हैं काम वगैरह हो रहा है और शुक्र है खुदा का कि ये लोग जो है काम वगैरह अभी लोगों ने शुरू कर दिया है और यहाँ जो है आज रात या कल तक जो है शटर वगैरह भी डल जाएंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाता रहूँगा टाइम से। और अभी जो है मैंने देखा है और देख के मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ क्योंकि ये जो है अंडरपास काफ़ी अच्छे से रुका हुआ था बारिशों की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अभी भी जो है काम वगैरह का कुछ पता नहीं था, बट अभी देखा है जैसे तो बहुत अच्छा लगा है। और बाकी आप लोगों को दिखाता रहूँगा कैसे कहाँ कहाँ तक काम होता है और कहाँ कहाँ तक रहता है, तो वो भी दिखाता रहूँगा। आप वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करना मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मात्र हुआ हूँ मैं कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के नहीं दिखा सका इतने दिन से, क्योंकि KCR का काम भी ठप हो गया था और पाकिस्तान रेलवे भी जो है बंद हो गया था, पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन वगैरह सर भी मुंतकिल हो गई थी, इसकी वजह से जो है मैं वीडियो वगैरह नहीं बना के दे सका आपको। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर बना के आप लोगों को भेजता रहूँगा वीडियो, और एक और प्रोजेक्ट है वो भी आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने पूछा है तो ये लोग बोल लेंगे आज रात तक जो है छत वगैरह डल जाएगी, तो देखते हैं कि काम को कैसे खींचते हैं ये लोग और कैसे कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह आके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है। और चलता हूँ दूसरी वीडियो की जानिब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।